इस वक्त आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पे, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। जहाँ कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस यानी काली फफूंद नई मुसीबत लेकर आ गई है। कोरोना का इलाज करा चुके मरीजों में खासतौर से जिन्हें ऑक्सीजन का सपोर्ट लेना पड़ा या स्टेरॉइड की ओवरडोज हुई, उनमें ये फंगस पनप रही है। फंगस आंख, नाक, कान या ब्रेन में भी हो सकती है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती एक मरीज को अपनी आंख गंवानी पड़ी। सरकार अब ऐसे मरीजों के लिए हमीदिया अस्पताल में अलग से वार्ड बना रही है। कोरोना का इलाज करा चुके मरीजों में अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन अटैक कर रहा है। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। भोपाल में अकेले एक दिन में 8 मरीज सामने आए हैं। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में आज दमों के एक और मरीज को भर्ती किया गया है। ये एक बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताई। ऐसे ही हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। धन्यवाद।